जिनको सुनने के लिए आप सुबह से माइन के अंदर खुद गया हूँ। हमेशा जब वो स्ट्राइक पे बैठते थे मैं उनके पास जाता रहा और मुझे पता कि कितनी कष्ट होता है उनको अंदर जाने में, उधर वहाँ अंदर में काम करने में, और वहाँ से कोयला काटना और कोयला बाहर निकालने में कितना कष्ट है मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं खुद माइन के अंदर विजिट किया हूँ मैंने। और मैं कोशिश करूँगा कि माइन वालों के बहुत बड़े पेंडिंग मुद्दे हैं, मैं कहूँगा कि उनके बैलेंस पेमेंट हैं उनके, पता नहीं एक साल साल के जो पेमेंट बैलेंस रहती है फिर उनको पेमेंट नहीं हुई, तो हम कोशिश करेंगे सारे मिलकर के उसको निभाने की। सर, विधानसभा पहुंचने के बाद आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? देखो, जब लोग ये फैसला करेंगे, जनमानस ने फैसला करना, जब ये फैसला करेंगे तो सारे सब कुछ अच्छा होगा, भोजपुर वाले की मेहरबानी से सब बढ़िया होगा। जी हम इस सुंदरबनी क्षेत्र के अंदर, जहां हम इस सुंदरबनी की पावन धरती पर खड़े हैं, इस क्षेत्र के सभी, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो बड़े लोग हों, बड़े बुजुर्ग हों, चाहे वो मातृशक्ति हो, सभी के साथ बैठकर सभी का कॉन्फिडेंस भी लेकर हम आगे बढ़ेंगे। आज हमने उसी प्रकार की एक्टिविटी को, उसी प्रकार के कार्य किया है, इस क्षेत्र में आए और सभी लोगों का आशीर्वाद लिया, सभी लोगों से मिले। और मैं ये आपको भी मीडिया के माध्यम से और इस क्षेत्र के सभी लोगों को और पार्टी को भी और पूरे जम्मू कश्मीर को ये विश्वास दिलाता हूँ, आप लोग वीडियोस में और फोटोज़ के माध्यम से ज़रूर देख सकते हैं, सुंदरबनी का, कालाकोट के लोगों का भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर पूरा विश्वास। थैंक यू। हमारे कार्यकर्ता लोगों का जन सलाह उमड़ा है। मैं कहता हूँ कि ये हमारे जो नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, नरेंद्र भाई मोदी जी का ये सारा प्रभाव है, इसी वजह से ये सारा जन सलाभ यहाँ पे उभरा है। ये सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, चाहे वो हमारे पन्ना प्रमुख हों, चाहे हमारे शक्ति केंद्र हों, चाहे हमारे वो बूथ प्रेजिडेंट हों, चाहे हमारे वो मंडल अध्यक्ष हों, चाहे वो मंडल के जनरल सेक्रेटरी हों, चाहे वो मंडल के उपाध्यक्ष हों, चाहे जो मंडल के सेक्रेटरी हों, चाहे जिला की टीम हो, चाहे हमारी महिला मोर्चा हो, ये सभी लोग आज इस जो वेलकम रैली में इकट्ठे हुए हैं, मैं इनका सभी का धन्यवादी हूँ। और जो सुंदरबनी बाजार में हमारा वेलकम हुआ और इन्होंने हमें एक्सेप्ट किया, मैं उनका बहुत बड़ा धन्यवादी हूँ, सुंदरबनी बाजार वालों का। और मैं ये आपसे कहना चाहूँगा कि जो नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हमारे तरुण चुग जी, आशीष सूद जी, रविंदर राणा साहब, या जी कृष्ण रेड्डी जी, या हमारे MP साहब, या और सारी टीम ने जिन्होंने हमारे पे विश्वास जताया है, हम सारे कार्यकर्ता लोग हम उम्मीद करेंगे, कोशिश करेंगे कि उनका जो यकीन है हम उसको पूरा यकीन पे पूरा उतर सकें। देखिए, ये छोटी बात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का मैंडेट मिलना मेरे लिए तो पहाड़ है, मेरे लिए तो बहुत बड़ी सम्मान की बात है, हमारे सारे सभी कार्यकर्ता के लिए बड़ी सम्मान की बात है। ये मैंडेट जो मिला है, ये हमारे कार्यकर्ताओं को मिला है, ये हमारी महिला बहनों को मिला है, ये हमारे मंडल की टीम को मिला है, ये हमारे जिला की टीम को मिला है, और हमारे जिला अध्यक्ष जो बड़ी कर्मठ कार्यकर्ता हैं उनको मिला है। मेरे लेफ्ट साइड बैठे हुए हमारे BDC चेयरमैन साहब, हमारे मेरे साथ बैठे हुए एक्स डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट साहब, दोनों एक्स डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट साहब बैठे हुए हैं, यहाँ पे महामंत्री साहब, नमस्कार, मैं चंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं सच न्यूज। इस समय मैं सुंदरबनी में खड़ा हूं, यहां पे जो है सुंदरबनी कालाकोट विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी ठाकुर रणदीप सिंह जो है पहली बार सुंदरबनी के मुख्य द्वार पर पहुंचे हैं, यहां से वह कालाकोट में जाएंगे। भाजपा द्वारा एक जो विश्वास उनपे जताया गया, उन्हें जो है टिकट सुंदरबनी कालाकोट विधानसभा क्षेत्र से दी गई, और आज सुंदरबनी के मुख्य द्वार पर लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के
कार्यकर्ताओं ने जो है भव्य स्वागत रणदीप सिंह का किया और पूरे शहर में जो है रैली निकाली और रैली निकाल करके जन जन को ये संदेश दिया कि भाजपा प्रत्याशी को जिताए और आने वाले विधानसभा क्षेत्र में भेजे। आइए इस समय मेरे सामने रिपोर्ट देखें।